कैप्टन अमरिंदर की सांसद पत्नी को कांग्रेस ने सस्पेंड किया, पार्टी विरोध गतिविधियों की शिकायत पर कार्रवाई। कैप्टन के राज्यपाल बनने की चर्चा के बाद एक्शन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। परनीत कौर यहाँ यह कार्रवाई भाजपा के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर की गई। कैप्टन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी PPCC के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने परनीत कौर पर पार्टी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान को शिकायत भेजी थी। इस शिकायत के आधार पर कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी DAC के मेंबर सेक्रेटरी तारिक अनवर ने परनीत कौर को सस्पेंड करने संबंधी लेटर जारी किया। पत्र में परनीत कौर को पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर चौथी बार लोकसभा सदस्य बनी है। उन्होंने अपना पहला चुनाव वर्ष 1999 में पटियाला सीट से लड़ा और जीत दर्ज की। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में वह पटियाला से जीती। इस दौरान वह मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रही। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में परनीत कौर आम आदमी पार्टी आपके धर्मवीर गांधी से हार गयी। 2019 के चुनाव में वह फिर जीत कर संसद पहुंची। उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कैप्टन मुख्यमंत्री। वर्ष 2021 में नवजोत सिद्धू की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस हाईकमान के रिश्तों में खटास आ गई। कांग्रेस हाईकमान ने जुलाई 2021 में सिद्धू को पंजाब इकाई का प्रधान बनाया और सितंबर 2021 में कैप्टन से CM पद से इस्तीफा मांग लिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।